क्वेश्चन है हमारे पास प्रणोद क्या है, इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्लास नाइन्थ का क्वेश्चन है। ओके, प्रणोद क्या है, बिल्कुल हम ध्यान देंगे प्रणोद क्या है। जैसे आप समझिए इसको थोड़ा सा, प्रणोद, प्रणोद ट्रिक से पहले हम आपको बता देते हैं। प माने दो, माने द्रव, दो माने द्रव, प माने क्या होगा, तनी ध्यान दीजिए। द्रव अगर आप किसी बर्तन में अगर आप रखते हैं, किसी बर्तन में मान लीजिए इसमें अगर आप पानी अगर रख दिए, तो ये इसके पेंदी पर बल लगाता है ये द्रव, तो प से पेंदी, याद रखिएगा। किसी भी बर्तन के पेंदी पर द्रव द्वारा लगाए गए बल को ही हम क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। फाइनल, कोई दिक्कत? प्रणोद किसे कहते हैं, किसी भी बर्तन में रखे हुए द्रव के द्वारा जो उसकी पेंदी पर जो बल लगाया जाता है उसे ही हम क्या कह देते हैं, प्रणोद कहते हैं। अब ये बल लगाया कैसे जाता है, थोड़ा आप इसको ध्यान से देखेंगे। प्रणोद हम कहते किसे हैं, हमारे पास पहला सवाल है, इसके आंसर यहाँ पे चलेगा। मान लीजिए कि ये बर्तन का ये वाला भाग हो गया है ना, हमने इसको क्या कर दिया, काट लिया, यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास आ चुका है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये आ गया। तो मान लीजिए कि इसमें पानी भरा हुआ है, पानी क्या है, भरा हुआ है। ये इसकी पेंदी का काट है, ध्यान से देख सकते हैं आप, ये इसकी पेंदी का क्या है, काट है। तो जब द्रव के ऊपर किसी सतह के ऊपर, अच्छा बताइए ये सतह हो गया कि नहीं हो गया, सतह हो गया, इसको हम पृष्ठ के नाम से भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो किसी भी सतह के ऊपर द्रव के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, याद रहे बराबर, द्रव के द्वारा, द्रव के, यहां पे हम लिख देते हैं द्रव के द्वारा लगे हुए बल को ही हम प्रणोद कहते हैं। आप समझ गए होंगे, हम इसका आंसर भी आपको दे देते हैं। देख लीजिए, प्रणोद किसे कहते हैं, किसी बर्तन में, किसी बर्तन में रखे द्रव के द्वारा, द्रव के द्वारा उस बर्तन के पेंदी या पृष्ठ सतह पर लगाया गया, लगाया गया लंबवत बल, कैसा बल बाबू, लंबवत बल क्या कहलाता है, प्रणोद कहलाता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, प्रणोद कहलाता है। बराबर हम आपके पास ट्रिक मार चुके हैं, प से पेंदी या द से द्रव, ध्यान दीजिएगा। जब कोई द्रव किसी बर्तन के पेंदी पर एकदम लंबवत बल लगाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। आप लोग इस आंसर को उतार सकते हैं। ओके, फाइनल क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, किसी बर्तन में, किसी बर्तन में, ध्यान देंगे यहां पर, कोई बर्तन हम बना लिए, प्रश्न, प्रश्न है, सबसे पहले में हम उत्तर लिखेंगे। हम एक बर्तन बनाएंगे, ये बर्तन हो गया, देख सकते हैं हमारे पास एक बर्तन आ गया है। अगर 2 किलो पानी है, देखिए 2 लीटर पानी है, 2 केजी इसमें क्या हो गया, पानी हो गया, ध्यान देंगे थोड़ा सा, 2 केजी हमारे पास ये क्या आ गया है बाबू, पानी आ गया है, थोड़ा हम इस पे हम ध्यान देंगे। तो कितना प्रणोद काम करेगा, कितना प्रणोद, सवाल है कि प्रणोद किसे कहते हैं। मैंने ट्रिक में बताया है कि लंबवत बल लगता है इस पर, कैसा बल लगता है बाबू, लंबवत बल लगता है, ध्यान दीजिएगा। आप अपने घर पर बाल्टी में पानी रख लीजिएगा और अपना ध्यान दीजिएगा, लंबवत बल इस पर काम करेगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा।
ये हो गया, ये यहां से लंबवत बल इस पर क्या कर रहा है बाबू, काम कर रहा है। तो कितना काम करेगा ध्यान देंगे, पेंदी पे कितना बल लगाएगा देखिएगा, पानी कितना है बाबू, बहुत बढ़िया 2 केजी इसके अंदर में पानी है। यहां हम बनाएंगे 2 केजी पानी का भार बर्तन के पेंदी पर, पेंदी पर देखिए 2 × 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 9 में हम इससे 2 में गुना कर देंगे, देख लीजिए 9.8 में हम 2 से गुना कीजिए, 8 × 16 = 6 हाथ में लगाइए, 9 × 2 = 18 और 1 19, एक अंक के बाद दशमलव है वो डाल दिए, 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर 19.6 है, तो इसको हम 20 मान सकते हैं, 20 न्यूटन, कितना 20 न्यूटन हम इसको मान सकते हैं। ध्यान देंगे 20 न्यूटन प्रणोद इस पर क्या करेगा, काम करेगा। हम आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दे देते हैं, अगर आप 2 केजी पर बनाए हैं आप घर से 3 केजी पर बनाइए, 4 केजी पर बनाइए, है ना, और इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसी तरह से बनाइए और उसका आंसर क्या आता है आप कमेंट बॉक्स में बना करके दीजिए, तब आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट कहे जाएंगे। टीचर से किसी भी प्रकार का वार्तालाप ना करें पढ़ाई के संदर्भ में। ये जो 19.6 जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये जो हमारा आ गया, तो हमारे बल का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन जो बल का मात्रक होता है वही प्रणोद का भी मात्रक होता है, आप देख सकते हैं प्रणोद का भी मात्रक न्यूटन ही होता है, इसीलिए बल को अगर हम न्यूटन में मापते हैं तो प्रणोद को भी किस में मापेंगे, न्यूटन में, ठीक है। इसीलिए हमने वहां पर 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बदले 20 न्यूटन क्या कर दिया है, लिख दिया है, उतार सकते हैं आप। चलिए किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन किया है कि 19.6 को हमने 20 क्यों लिख दिया, सवाल है 19.6 को हमने 20, बहुत अच्छी सी बात है, आप अगर सवाल करेंगे तभी हम आपको जवाब दे पाएंगे। 19.6 थोड़ा हम यहां पर आते हैं, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, नियम 10 तक ही होता है, ये 19 हम इसलिए दिए हैं क्योंकि यहां पर 19 है, तो आप इसको अब मिटा भी सकते हैं, कोई बात नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे 19 मिटा दिए। ये 5 जो है वो एक लेवल है, अगर 19.4 होता पीछे आ गए है ना, तो हम इसको 18 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 18, 4 है 19.4 है, आगामी संख्या लिखने के लिए हम इसके बैक में चले जाएंगे, 5 हमारा एक मेन पॉइंट है और 6 है, तो 19 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, मैंने फाइनल एक्यूरेट लिखने के लिए ये बताया गया है। 5 को आप पॉइंटेड मान लें, अगर इससे पीछे होगा जैसे देखिए 18.9 है तो 9 आ गए, आगे बढ़ रहा है ना, तो 18 से आगे बढ़ जाइए 19 पूर्ण रूप हो गया। अगर है आपके पास 2.3 आ गया, 3 आ गया, तो इसको पूर्ण रूप में करने के लिए हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ये हमारा नियम काम करता है। दशमलव के बीच में अगर 5 आ जाए, 5 आ जाए तब तो हम उसको जो संख्या रहेगा वही रहेगा, 5 पे भी आगे हो सकता है, 5 पे भी आगे, 5 से आगे हो जाता है, लेकिन 4 तक जो रहता है वो पीछे ही चला जाता है।